हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर नो अबाउट इंडिकेटर्स यू नो एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रो देयर टेस्ट बट आल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स मींस आपको पहले बताया गया था कि एसिड्स और बेस को हम पता लगा लेते हैं उसके टेस्ट से कि अगर सावर टेस्ट है तो एसिड है बीटर टेस्ट है तो बेस है लेकिन केवल इसी से नहीं हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम ये जान लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है क्योंकि हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आगे इसीलिए इसमें हम देखेंगे इंडिकेटर्स कैसे हम इंडिकेटर्स से इसको डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है एन इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच सोज डिफरेंट कलर्स इन एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इंडिकेटर्स मीन्स होता है सूचक जो किसी चीज की सूचना दे तो इसका काम क्या है ये शो करता है अपने कलर्स को एसिड और बेस के साथ मीन्स एसिड्स में कोई ये और कलर देता है और बेस के साथ कुछ डिफरेंट कलर देता है तो इससे हम जान जाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है

इसका कलर जो है पर्पल होता है इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम मीन्स जो इंडिकेटर्स है लिटमस वो लिटमस एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस में अगर उसको हम डीप करें तो वो ब्लू कलर देता है तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं एसिड्स और बेस को लिटमस कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन लिटमस को हम यूज करते हैं किसी भी एसिड बेस को पहले हम सोल्यूशन फॉर्म में उसको लेते हैं तब हम लिटमस से उसको हम पता लगाते हैं इन प्रैक्टिस इट इज मोर कॉमन टू यूज ए पेपर स्ट्रिप दैट हैज़ बीन डिप्ट इन लिटमस सोल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई सच ए पेपर स्ट्रिप इज कॉल्ड लिटमस पेपर मीन्स लिटमस जो Uh, हमको मिलता है वो एक पेपर्स के फॉर्म में दो होता है एक स्ट्रिप्स एक पट्टी की तरह होता है जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं तो ये दो कलर में मिलता है एक तो ब्लू होता है और दूसरा रेड कलर का होता है तो आगे हम देखेंगे कि ये दोनों अपना कलर कैसे चेंज करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से अस नाउ परफॉर्म टू एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड हाउ लिटमस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एसिड एंड बेस तो आप यहाँ फिगर में देखें ब्लू कलर का लिटमस स्ट्रिप मीन्स लिटमस पेपर है वो उसकी पट्टी है एक उसको लिया गया है टेक सम लेमन जूस इन पेट्री डिश मीन्स एक ग्लास की एक डिश होती है उसमें हम लेमन जूस लेते हैं एंड डिप ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट मीन्स नींबू का कुछ हम रस ले लेते हैं पेट्री डिश में या किसी भी और अदर पॉट्स में या बर्तन में इसको हम ले सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर इसमें हम डिप करते हैं द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ एन एसिड इन द लेमन जूस आपको पहले भी बताया गया कि लेमन में नींबू में एक एसिड पाया जाता है साइट्रिक एसिड तो अगर उसमें एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा ये इसका आ, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है हम देखेंगे अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें एसिड है अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है कोई भी कलर नहीं दे रहा है अनचेंज है इसका मतलब वो एसिड नहीं है कुछ और है उसको हम फिर दूसरे लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं सेकेंड देखें टेक सम सोप सल्यूशन इन ए पेटरी अब हम सोप का सल्यूशन लेते हैं साबुन का And a strip of litmus paper in it red means इसमें हम red litmus का use करते हैं अगर हम इसमें blue dip करेंगे तो blue के ऊपर कोई effect नहीं पड़ेगा क्योंकि blue वाला केवल acid के साथ red देता है तो हम इसमें red litmus लेते हैं उसको dip करते हैं the color of litmus changes to blue। और रेड से blue में अगर टर्न हो गया चेंज हो गया दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ ए बेस इन द सॉप सल्यूशंस तो इसको आप याद रखेंगे कि लिटमस एसिड्स के साथ हमेशा कैसा कलर देता है ब्लू टू रेड और बेस के साथ रेड टू ब्लू टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर टर्मरिक जो हल्दी मिलती है हमारे घरों में यूज की जाती है हल्दी

एसिड के साथ वो येलो ही रहती है उसमें कलर चेंज नहीं होता हैव यू एवर नोटिस्ड इज है ऑन ए टर्मरिक स्टेन ऑन योर हैंड कर्चीफ और शर्ट आप इसको देखे भी होंगे घर में कि कभी कभी आपको जब आपके रूमाल पर या आपके शर्ट पर धोते समय सोप सोप uh, उस पर रब किया जाता है तो उसका कलर आप देखते होंगे कि थोड़ा सा चेंज होता है तो वही वह उसका रीजन है मीन्स आपके कपड़े पर हल्दी या टर्मरिक या मसाला जो आप कभी कभी यूज करते हैं खाने में भी होता है टर्मरिक तो उसके कारण उसमें जो लगा होता है फिर उसमें हम साबुन जब रब करते हैं तो सोप क्या है बेस है तो उसके साथ रेड कलर में सो करने लगता है इसी तरह से और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर हैं जूस ऑफ चाइना रोज मीन्स हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं पेटल्स कैन आसो भी यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर्स इसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में इसके फ्लावर को यूज करते हैं इट टर्न्स डार्क पिंक मीन्स मैजेंटा कलर गहरा गुलाबी हो जाता है कब वैन एडिड टू एन एसिड जब किसी एसिड में इसको हम एड करते हैं एंड टर्न्स ग्रीन वैन एडिड टू ए बेस जब किसी बेस में इसको हम मिलाते हैं तो वो ग्रीन कलर का सलूशन दे देता है तो ये सारे जो नेचुरल इंडिकेटर है वो एसिड या बेस के कलर को चेंज करके हमको बता देते हैं कि इसमें एसिड है या बेस है इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं जो नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे टर्मरिक है सोप के साथ इसको आप देख सकते हैं चाइना रोज इसको अनदर कॉमनली यूज इंडिकेटर इज फिनाफ्थीन ये एक केमिकल इंडिकेटर है अभी इसके पहले आपको जितने बताए गए इंडिकेटर क्या थे नेचुरल थे और फिनाफ्थलिन क्या एक ये केमिकल मतलब ये मेट किया जाता है इट इज़ कलरलेस ये भी जो कलर देता है एसिड के साथ कलरलेस होता है मीन्स एसिड के साथ ये कोई भी कलर शो so नहीं करता बट टर्न्स पिंक इन ए बेसिक मीडियम लेकिन अगर हम बेस में इसको मिलाते हैं तो उसमें ये पिंक कलर का देता है तो ये आपको जितने भी इंडिकेटर्स को याद रखना है कि ये एसिड के साथ कौन सा कलर देते हैं और बेस के साथ कौन सा कलर देते हैं जैसे फनाफेलिन एसिड के साथ कलरलेस कोई भी कलर नहीं शो करेगा लेकिन बेस के साथ पिंक कलर शो करेगा इसलिए आ, आपको इसको अच्छे से रिमेंबर करना है सारे जितने इंडिकेटर्स इसमें आपको बताए गए कैसे कैसे वो कलर को चेंज करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन क्या है और साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है नमक कैसे बनता है सो थैंक्स